सजी है सुंदर कलंगी सीर पर, आंखें कजरारी चित चोर। रिमझिम रिमझिम बरखा बरसे, सबके मन को भाता मोर। मोर एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पक्षी है। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत पक्षियों में से एक है, इसीलिए सभी लोग मोर को पसंद करते हैं। इसकी लंबी गर्दन पर सुंदर नीला मखमली रंग होता है। मोर वैसे तो पंख नहीं फैलाता है, लेकिन बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में मोर जब खुशी से नाचता है तो वह पंख फैलाता है। मोर का पंख सभी को पसंद आता है। मोर के पंख को सजावट का सामान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कृष्ण भगवान जी अपने सिर पर मोर पंख लगाते थे। देव कार्तिकी का वाहन मोर है, जो सभी लोगों को बहुत ही लुभाता है। मोर का पंख बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बच्चे मोर के पंख को अपनी किताबों में रखते हैं। पुराने ज़माने में कालिदास भी मोर के पंख से लिखा करते थे। मोर नुकसानदायक कीट पतंगों को खाता है, और इसीलिए यह किसानों का भी अच्छा मित्र है। मोर शब्द पुल्लिंग है तथा स्त्रीलिंग को मोरनी कहते हैं। मोर का नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। मयूर नृत्य समूह में किया जाता है। नृत्य के समय मोर अपने पंख फैलाकर बड़ा सुंदर मगर धीमी गति का नृत्य करता है। मोर की सुंदरता के कारण कई सारे बड़े बड़े लेखकों ने भी मोर के ऊपर कथाएं, कविताएं, गीत लिखे हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर अपनी भी मोर के ऊपर कई सारे लेखन किए हुए हैं। मोर सुंदरता के कारण इससे कई सारे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि नीलकंठ मयूर आदि। मोर का जीवन काल 15 से 25 वर्ष तक का होता है। मोर पक्षी इतना सतर्क होता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका उसे पहले से ही पता चल जाता है, और वह तेज आवाज़ में आवाज़ करके सभी पक्षियों और लोगों को इसके बारे में सूचित कर देता है। आपने देखा ही होगा कि कई बार भूकंप आने से पहले और तेज आवाज़ में वह बोलने लग जाता है। मोर पक्षी चतुर भी होता है। वह रात को या फिर उसे जब भी खतरा महसूस होने पर वह पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ जाता है, जिसे शिकारी उसका शिकार नहीं कर पाते हैं। मोर पर कवियों द्वारा कविताओं के माध्यम से इसकी सुंदरता का जिक्र किया गया है, और साथ ही भारत की पुरानी संस्कृति की इसमें झलक दिखाई देती है। मोर का बहुत महत्व है। हमारी सरकार ने मोर को संरक्षण देते हुए वन्य अधिनियम 1972 के तहत इसके शिकार को गैरकानूनी करार कर दिया गया है, और शिकार करने पर सजा का प्रावधान भी किया है। मोर हमारे भारत देश की आन बान और शान है, इसीलिए इसका शिकार होने से हमें उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए लोगों को मोर के महत्व के बारे में समाज में हमें जागृति करनी चाहिए। मोर के ऊपर कथा, कविता, लेख आदि लिखकर उसका महत्व विश्व भर में फैलाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके भी हमें बता दो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।